सर, आज मैं सिद्धि टेलीविज़न का प्रोमो शूट कर रहा हूँ और इस प्रोमो में दो फैमिली हैं, एक लड़के की फैमिली है और एक लड़की की फैमिली है। तो मैं लड़के का बाप हूँ, इसलिए मेरी लड़के वाली फैमिली मेरी है और मैं भाई सख्त करते हैं, इतना सख्त करके गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, जितना पैसा है वो गरीबों में बांटना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी इसके विरुद्ध है, वो चाहती है कि इस पैसे को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बचा के रखो, आप ये क्यों खर्चा कर रहे हो। तो हम लोगों में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। मेरा बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है और जो दूसरी फैमिली है वो लड़की की फैमिली है। लड़की की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे वो फैमिली जो है हम लोग समधी बनेंगे, हमारे यहाँ वो आएगी, लड़की आ जाएगी बहू बनकर, फिर आगे सब्जेक्ट शुरू होगा, स्टोरी शुरू होगी। तो इस तरह से रखा गया है। आज प्रोमो शूट है और प्रोमो में हीरो हीरोइन, फादर्स, भाई हीरो के, हीरोइन के भाई, सब इन्वॉल्व हैं। आज पूरी फैमिली, दोनों परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। आज बहुत अच्छी शूटिंग चल रही है इस मनीषा बंगलो में और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सबकी जा रही है, बहुत अच्छा। मेरा तो बहुत सॉफ्ट रोल है, मेरा बाप का रोल है हेड ऑफ़ दी फैमिली, यानी कि मैं इतना सॉफ्ट रोल है कि वो दूसरों को दुखी देखता है तो उसके आंसू आ जाते हैं, इतना सॉफ्ट करेक्टर है ये। सबकी मदद करना चाहता है, जितना पैसा है सबको गरीबों में बांटना चाहता है। लेकिन मेरी वाइफ मेरे फेवर में नहीं है, नहीं नहीं बोला अपने पैसे बचा के रखो, हमको किसी से क्या करना। लेकिन मेरी पॉलिसी है कि नहीं, मेरा पैसा वो गरीबों की वजह से ही मुझ पर आ रहा है, उनकी बदौलत, तो मैं उनको ही देना चाहता हूँ ये पैसा। थीम ये है इस सब्जेक्ट का, मेरे पोर्शन का। ये प्रोमो शूट करने में कितना आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ये रोल दिया है, सॉफ्ट रोल, क्यों मैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े विलन के रोल या तमाम रोल करता रहा, लेकिन इस तरह के रोल करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। एक गरीब आदमी जो है बगीचे वाला बगीचा पेड़ की काट रहा है, उसको पसीना आता है तो मैं उसकी पसीना साफ़ कर रहा हूँ, उसे पानी पिला रहा हूँ। तो ये मेरा करेक्टर है। मतलब कोई आदमी गरीब है उसको पैसे दे रहा हूँ, किसी को भूखा है उसको खाना खिला रहा हूँ। तो इस तरह करेक्टर मुझे, मैंने किया भी नहीं और मिलता भी नहीं, लेकिन उसमें बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम एन्जॉइंग लाइक एनी थिंग। दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर? दर्शकों को मैसेज ये सर कि मैं 44 साल से इस फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ और जो करेक्टर मुझे मिला है इस फिल्म में, इस सीरियल में, वो मतलब बियॉन्ड दिल थॉट है। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह करेक्टर होगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और सीरियल का जो थीम है बहुत अच्छा थीम है, मतलब इसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है और चैनल जो है ज़बरदस्त जो है इसको लॉन्च करने के मूड में है और मुझे लगता है कि ये 10 दिन 15 दिन महीने भर जाएंगे, उसके बाद में ये चैनल लॉन्च हो जाएगी और पब्लिक एंजॉय करेगी। और सभी कहीं ना कहीं मैसेज है, हर सीरियल में मैसेज है, कई सीरियल बन रही हैं, खुद चैनल बना रही है और बाकी बाहर के प्रोड्यूसर बना रहे हैं। और भी अच्छे सब्जेक्ट्स की तलाश है कि अच्छे सब्जेक्ट्स होंगे तो चैनल का कहना है कि हम चैनल के थ्रू हम सब्जेक्ट्स को बनाएंगे भी और उनको देंगे भी पब्लिक को भी। तो चैनल का बहुत बड़ा वास्ट एक थॉट है, एक ये चैनल जो है एकदम नया ही अपना कंसेप्शन लेके चल रही है कि भाई हमको जो है सबको जो है अच्छे सब्जेक्ट्स बनाने हैं इस चैनल में, खुद भी बनाने हैं और दूसरों से भी बनवाने हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सीरियल है जिसका नाम है रक्षा स्वाभिमान की, और ये जो नाम है ना, इस नाम में ही एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि हर इंसान जो जिसके साथ जुल्म हुआ है, जो नाइंसाफ़ी के शिकार हुए हैं, ये सीरियल की जो नायिका है वो महिला प्रधान करेक्टर में बहुत लोगों के संघर्ष करती है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई, जो न्याय से वंचित रह गए हैं। और रहा सवाल मुझे, तो मेरा करेक्टर बहुत खूबसूरत है और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने महान कलाकार जो 40-45 साल से फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान की आवाम के दिलों के धड़कन जैसे हैं, माननीय रमेश गोयल जी, उनके साथ डायरेक्ट मेरी सीन है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस सीरियल में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरे हिंदुस्तान की जनता इस सीरियल को आशीर्वाद देगी और ये कामयाब सीरियल रहेगा। सर, आपकी रोल क्या है? मतलब सर, किस टाइप का रोल है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं सिद्धि टेलीविजन चैनल को धन्यवाद देता हूँ और इसमें जितने भी कलाकार हैं, प्रोडक्शन में जितने लोग हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ में हमारे जितने मीडियाकर्मी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे
इसमें दो शब्द कहने की मौका दिया है और जो प्रोडक्शन के लोग हैं उन्होंने मुझे इसमें कुछ समझा और मुझे कुछ काम दिया है और एक इसका मैं इस फिल्म में किरदार का रूप निभा रहा हूँ जिसमें नाम है उसका ईश्वर सिंह। तो ईश्वर सिंह जो है एक ऐसा करैक्टर है जो कि मेन भूमिका में काम करने वाली जो हीरोइन है, मेन हीरोइन है धारा, जो इस फिल्म में धारा के नाम से है, उस धारा का मैं पिता हूँ। और मेरी करैक्टर जो है बिल्कुल एक बेवड़े वाली करैक्टर है, एक पीने वाली जो है करैक्टर का व्यक्ति के रूप में मुझे दिखाया गया है। और मैं जो है अपने घर को और विशेषकर जो उसमें रहने वाले नारियां हैं, अपनी बीवी हैं, अपनी लड़कियां हैं, उन पे मैं बहुत ज़्यादा जो है जुर्म ढाता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि वीमेन की एम्पावरमेंट हो, और वीमेन की एम्पावरमेंट के लिए लोग जो है तरह तरह से इसको जो है मीडिया के थ्रू, सोशल जस्टिस के थ्रू, या जो सोशल ये हैं आपके जो बहुत सारे मीडिया आ गए हैं इनके थ्रू जो है जो डिसिमिनेशन हो रही है, प्रसार की बात हो रही है, वही बात इस फिल्म में भी हो रही है। क्योंकि मेरा जो करैक्टर है मैं अपनी वाइफ को दबाता हूँ, मैं वाइफ को कुछ कहने नहीं देता हूँ, मैं अपनी मनमानी करता हूँ। इसमें जो मुख्य जो भूमिका निभा रही है धारा को मैं ऑब्स्ट्रक्ट करता हूँ, बार बार रोकता हूँ, उसको भी आगे से बढ़ने से रोकता हूँ, और उसकी जो उन लोगों की जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान का भी मैं बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाता हूँ। तो मेरी जो करैक्टर है बेसिकली मुझे इस तरह से ठेस पहुँचा के इस पूरी स्क्रिप्ट को इस तरह उठाना है ताकि लोगों को समझ में आए अच्छी तरह से कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है और इसकी स्वाभिमान क्या होती है और स्वाभिमान की रक्षा किस तरह से लड़की कर सकती है। इसमें एक मैं मसाला के रूप में काम कर रहा हूँ बेसिकली कहा जाए। और ये स्टोरी जो है ब्यूटीफुल स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले जितने भी समय में ये फिल्म जो ये जो सीरियल बनेगी, ये सीरियल जो है एक दर्शनीय होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको लाइक करेगी और बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन को लाइक करेगी, क्योंकि आज सरकार वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही है और ये पूरी जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रिया शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। और ये जो सीरियल है रक्षा स्वाभिमान की, इसमें मेरा धारा की सिस्टर का कैरेक्टर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो धारा है उसके पिताजी उसको पढ़ने लिखने से रोकते हैं और मुझे भी पढ़ने लिखने से रोकते हैं, और उनकी सोच है कि लड़कियाँ सिर्फ घर का काम काज संभाल सकती है, पढ़ लिख नहीं सकती, क्या करेगी पढ़ के, आखिर में घर का ही काम करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ के लिए हमारी जो मेरी जो सिस्टर है धारा, वो इन चीज़ के लिए काफ़ी स्टैंड लेती है कि नहीं, लड़कियाँ भी पढ़ लिख कर कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है, घर वालों का नाम रोशन कर सकती है। और मेरे लिए भी वो बहुत स्टैंड लेती है और मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं सीरियल में धारा ने, तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। मेरा जो है धारा की एक छोटी सिस्टर का रोल है, जो जिस धारा जिसकी बहुत केयर करती है और उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करती है स्टेप। हम आसमा खान है और एमपी से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ मुंबई में 10 साल से हूँ, गोकुलधाम में रहती हूँ, गुरेगांव में। आज शूट हो रहा है मेरा, जैसे कि कैरेक्टर है निर्मला करके, और यहाँ पर हम लोग वुमेन्स पावर की बात कर रहे हैं। जैसे कि औरतों का हक हर जगह मारा जाता है, कई जगह उनसे परमिशन भी नहीं ली जाती है, जो एक रिश्ता होता है वहाँ पर हमेशा आदमी अपनी मनमानी चलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैं उनको अपनी मनमानी चलाने नहीं देती हूँ, जैसे कि हर घर की कहानी होती है कि थोड़ी सी नोक झोंक और ये सब चीज़ चलती है। बड़ा मज़ेदार सा कैरेक्टर है मेरा कि वो जो भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, बड़े दानवीर करण बनते फिरते हैं, गांव में पैसा बांटते फिरते हैं, जो आ जाता है उनके लिए कुछ भी दे देना, मुझसे पूछना नहीं। तो मैं उनको हमेशा ही टोकती हूँ कि अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा, हमें भी तो अपना घर चलाना है, हमें हमारे पास भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर हमको भी एक दिन तो भीख मांगनी पड़ जाएगी ना। तो बस यही सिर्फ नोक झोंक लड़ाई झगड़ा ये सब चलता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि एक कहानी घर घर की कहानी होती है जिसमें एक मियाँ बीबी की नोक झोंक रहती है, एक माँ बेटे का प्यार रहता है, एक बहू सास की नोक झोंक रहती है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। मेरा नाम सुमैया खान है, मैं भी एमपी से बिलोंग करती हूँ और मुंबई में मैं 1 साल से आई हूँ। फिलहाल तो बस एक्टिंग में शुरुआत की मैंने अपनी। बस जी, मेरा इस सीरियल में मेन लीड है धारा, जिसके ऊपर हमारी स्टोरी बेस्ड है। धारा की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस
जो फाइट कर रही है अपने सम्मान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है। वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है, आप कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके फादर का उसको सपोर्ट नहीं है, उसके फादर हमेशा उसको समझते हैं कि लड़कियां तो बस बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, घरों में खाना बनाने के लिए होती हैं। तो इस सब के बीच में उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं कि वो हर एक से बहुत ज़्यादा जूझती है, परेशान होती है, लेकिन वो किसी को कुछ बोल नहीं पाती। वो इतना स्ट्रांग हो जाती है कि वो बोलती है मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो वही सब चीज़ों के बारे में हमने बताया, एक बहुत ही अलग ही तरीके से दिखाया गया है सब कुछ। जी, मैं भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ। जी, मेरा नाम बबीता चौधरी है और मैं इसमें भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ, और जिसमें मेरा जो देवर है उनके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेरी सास है उनको कुछ अलग ही लगता है कि शायद मेरा उनके साथ कुछ अफेयर है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बाहर जॉब करते हैं, आर्मी में रहते हैं, तो मेरी सास ही यही देखकर उनको यही लगता रहता है कि शायद हमारा जो रिलेशन है बहुत नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर, आज हमारा प्रोमो शूट हो रहा है और इसमें फाइटिंग वगैरह आपको बहुत अच्छा देखने का मिलेगा, और मैं आर्यन मिन्हास मेरा नाम है और मैं इसमें प्रेम लीड का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ये हमारा सीरियल जो ओल्ड कल्चर में होता है उस पर डिपेंड है, उसे मोटिवेट किया जा रहा है, जो पुरानी औरतों को भूला जाता है कि नारी शक्ति कमज़ोर है, उनको जो लड़कियों को करवाना चाहिए वो लड़की नहीं कभी कर सकती, ये वो, तो उन पर बेस्ड है हमारा सीरियल। तो मुझे लगता है कि आपको सीरियल हमारा अच्छा लगेगा, यही उम्मीद करते हैं। मेरा सर लीड रोल है इसमें और मैं रिचिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी मैम, आप? जी, मेरा नाम मीना सिंह है, मैं इस सीरियल में माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ, सेकंड फैमिली का। धारा जो है मेरी बेटी है और मेरे पति जो हैं वो बहुत ही दारू पीने वाले होते हैं, और मेरी दो बेटियाँ और एक बेटा है, तो उनको बेटियों के ऊपर गर्व नहीं होता, उनको बेटे के ऊपर गर्व होता है। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा ही वंश चलाएगा, मेरा नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन उनका बेटा बिगड़ जाता है। मेरी बड़ी बेटी जो धारा है वही, उसकी पहले तो स्कूल की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, और फिर बाद में मेरी धारा पढ़ती है और वो वकील बनती है। फिर उनका बेटा जो नहीं कर पाता वो मेरी बेटी कर दिखाती है, इसलिए वो सोचते हैं कि औरतें कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन औरतें वो कर सकती हैं जो बेटे कभी नहीं कर सकते हैं। दर्शकों क्या मैसेज देगी सर इस सीरियल? सर, हम ये कहना चाहेंगे, यही हमारा मैसेज है दर्शकों को, कि अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए, जो बेटे को हक दिया जाता है वही बेटी को हक दिया जाए, और उन्हें खुल के जीने की लाइफ के लिए प्रेरित करना चाहिए।